हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ईएसआईसी यूडीसी एंड स्टेनोग्राफर का जो स्किल टेस्ट होने वाला है 2019 का, विद इन 45 टू 50 डेज में ये कंडक्ट भी हो जाएगा। इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, प्रिलिमिनरी सॉरी मेंस का रिजल्ट भी आ जाएगा और इसका स्किल टेस्ट भी कंडक्ट हो जाएगा 50 डेज के अंदर। तो आज हम बात करेंगे एमएस पावर पॉइंट सेशन के, जिसमें मैं आपको दो स्लाइड से यहाँ पे बना के दिखाऊंगा। जो कुछ भी मैंने इंट्रोडक्टरी सेशन अपलोड किया है वो आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने एक सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर के एग्जाम में जो कुछ भी मॉडल क्वेश्चन पेपर दिया गया था, उसी क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे आज स्लाइड्स बनाएंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट स्लाइड जो यहाँ पे दिया गया है। सो यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है कि यहाँ पे जो ए पॉइंट दिया है ना, या आप ये पॉइंट पढ़िएगा, आप ए एंड बी, इसमें दिया है कि द टू पावर पॉइंट स्लाइड्स यूजिंग द डिफॉल्ट स्लाइड टाइप हैविंग टू सेक्शंस। तो दो सेक्शंस होते हैं, ऐड टाइटल एंड ऐड सबटाइटल्स, तो हमें ये दोनों बनाने हैं। इसके बाद बी पॉइंट पढ़िएगा, रिप्रोड्यूस द कंटेंट एज मेंशन इन द सेम बिलो बाय यूजिंग वर्डना एज अ फॉन्ट टाइप फॉर बोथ। वर्डना दोनों के लिए फॉन्ट टाइप है और सिर्फ उनका फॉन्ट साइज चेंज है। 54 किसके लिए है? टाइटल स्लाइड के लिए 54 फॉन्ट साइज है एंड 24 पॉइंट कितना है किसके लिए है? सबटाइटल के लिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो हम इसी के अकॉर्डिंग ऐसे धीरे धीरे स्लाइड बनाते जाएंगे। सो आपको कैसे स्लाइड क्लिक करना है, पहले न्यू स्लाइड में जाना है और यहाँ पे टाइटल स्लाइड बनाना है। तो इस पे हम सबसे पहले क्या दिख रहा है, कंटेंट, जो कुछ भी कंटेंट दिख रहा है इसमें वो हम धीरे धीरे टाइप करेंगे। इंडिया और द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द सेवन लार्जेस्ट कंट्री बाय ज्योग्राफिकल एरिया, ये जो कंटेंट दिख रहा है हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। अब मैंने ऑलरेडी टाइप कर रखा है क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए तो मैं जल्दी से ये कॉपी पेस्ट कर लूंगा। यहाँ पे इंडिया दिया है तो इंडिया कॉपी करूंगा, यहाँ पे क्लिक टाइटल स्लाइड में पेस्ट करूंगा, यहाँ पे सबटाइटल में जो कुछ भी कंटेंट दिया है वो कंटेंट में मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। अब मैं आपको धीरे धीरे इसमें कुछ चेंजेस है, इंपॉर्टेंट चेंजेस, वो भी बताऊंगा। ये थोड़ा एडजस्ट करके ऊपर कर लेंगे और इसको भी हम थोड़ा ऊपर कर लेंगे, नॉर्मल एडजस्टमेंट। जो कुछ फाइनल एडजस्टमेंट हम लास्ट में करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से पड़ेगा दोस्तों, जो कुछ भी मैं इंस्ट्रक्शन आपको दिखाऊंगा मेरे सिर्फ एरो पे आपको ध्यान देना है। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, अब इसमें आपको द में टी कैपिटल दिख रहा है तो आपको टी कैपिटल ही टाइप करना है। रिपब्लिक एंड इंडिया में आर कैपिटल दिख रहा है तो पहले आर कैपिटल एंड आई भी कैपिटल करना है। सबसे पहले क्या करना है हमें, कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, सब जो कुछ भी मटेरियल देना है सबसे पहले वो टाइप कर लेना है। उसके बाद हम उसके सब इफेक्ट्स, जो कुछ भी साइज है, जो कुछ भी फॉन्ट चेंज करना है, वो सब हम उसके अकॉर्डिंगली चेंज करते जाएंगे। अब ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट के बाद उन्होंने सेंटेंस ब्रेक किया है और एंटर करने के बाद कंट्री सेकंड लाइन में फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, तो हमें भी लार्जेस्ट के बाद उसको एंटर करना है और कंट्री को सेकंड लाइन में फर्स्ट पोजीशन पे लाना है। उसके बाद बाय ज्योग्राफिकल एरिया एंड द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज, द मोस्ट के बाद फिर एंटर करके पॉपुलस कहां पे आ रहा है, थर्ड लाइन में फर्स्ट पोजीशन पे। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें सब कुछ टाइप करना है, जैसे मैंने यहां पे किया है। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट, देन कंट्री बाय द ज्योग्राफिकल एरिया द सेकंड मोस्ट के बाद एंटर किया है पॉपुलस एंड द मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी, तो ये सब कुछ हो रहा है। तो यहां पे आप देख सकते हो द मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी एंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड के बाद हमने यहाँ पे फुल स्टॉप देना चाहिए, तो मैं भी यहाँ पे फुल स्टॉप यहाँ पे वर्ल्ड के बाद दे दूंगा। अब यहाँ पे हमें एक वन बाय वन सेट करना है। इंडिया हमें दिख रहा है, इंडिया जो दिख रहा है इंडिया पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, टाइटल स्लाइड है, जो बोल्ड भी दिख रहा है और उसको अंडरलाइन भी किया हुआ दिख रहा है। तो अब हम यहाँ पे जो तीन सेक्शन है ना मेरे एरो पे आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे इंडिया में जाएंगे, इंडिया पे यहाँ पे देखो ये बोल्ड है, ये इटैलिक है, ये अंडरलाइन है, ये तीन सेक्शंस, ये तीन टाइप्स और यहाँ पे अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन ये अभी फिलहाल के लिए आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो टाइटल का कितना दिखाया हमें, 54 दिया है, तो यदि 54 आपको ढूंढने में दिक्कत होती है आप यहाँ पे 54 टाइप करके एंटर भी कर सकते हो, तो इसको पूरे इंडिया को 54 भी आ जाएगा। अब सिलेक्ट करने के बाद हमें ये अप्लाई करना है। इसके बाद अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस में ये स्क्रीन रिकॉर्डर ये फॉन्ट साइज दिखाएगा नहीं आपको, तो सिंपली मैं यहाँ पे वर्ड ना बोला है तो मैं सिर्फ यहाँ पे वर्ड डना टाइप करूंगा और एंटर करूंगा, तो यहाँ गया वर्ड डना। और इसको बोल्ड भी करने के लिए बोला है तो हम बोल्ड भी करेंगे और इसको अंडरलाइन भी करेंगे, तो ये हो गया इंडिया का फॉन्ट सेट हो गया। अब यहाँ पे नीचे जाएंगे, जो सबटाइटल हमने टाइप किया है उसको एडजस्ट करेंगे, सबटाइटल को एडजस्ट करेंगे, इसको ऐसा बराबर कंप्रेस कर लेंगे, एग्जैक्टली कंप्रेस करेंगे, एग्जैक्टली जैसा हमने वहां पे किया है। तो अब यहाँ पे हम इसको सेटल कर कैसे दिया है, यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ इंडिया को क्या किया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया के यहाँ पे आप देख सकते हो, रिपब्लिक ऑफ इंडिया को हमने मतलब उन्होंने दिया है कि उसको अंडरलाइन भी किया है, बोल्ड भी किया है एंड इटैलिक भी किया है, तो हम यहाँ पे भी रिपब्लिक ऑफ इंडिया को बोल्ड भी करेंगे, अंडरलाइन भी करेंगे और इटैलिक भी करेंगे, तीनों फॉन्ट्स देंगे।
लेकिन सबसे पहले हम इसको सेट किया हमने वर्डाना में, यस वर्डाना में सेट कर लेंगे, 24 है 24, तो यहाँ पे हम वर्डाना टाइप करेंगे, वर्डाना और एंटर करेंगे, तो ऑल सब कुछ सेट हो गया बराबर। हम इसको थोड़ा स्क्रॉल इधर करेंगे क्योंकि फॉन्ट अब बराबर आ गया, कंट्री लार्जेस्ट के बाद कंट्री, उसके बाद पॉपुलस एंड उसके बाद एंड। अब आने के बाद हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया तो हमारा सेट गया, उसके बाद क्या दिया है द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री, उसके बाद दिया है द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री बाय ज्योग्राफिकल एरिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री बाय ज्योग्राफिकल एरिया। क्या किया है इसको, इसको बोल्ड एंड इटैलिक किया है, बोल्ड एंड इटैलिक किया, तो हम इसको भी सेवंथ लार्जेस्ट जो दिया है सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इसको भी हम बोल्ड करेंगे एंड इटैलिक करेंगे। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इसको भी बोल्ड एंड इटैलिक किया है, तो हम यहाँ पे भी इसको भी सेकंड मोस्ट पॉपुलस को बोल्ड एंड इटैलिक करेंगे, क्या करेंगे बोल्ड एंड इटैलिक करेंगे। इसके बाद और थोड़ा इसको इधर करेंगे तो ये बराबर एडजस्ट हो जाएगा, हाँ अब आ गया। इसके बाद विथ ओवर 1.2 बिलियन पीपल तक तो कोई दिक्कत नहीं हमें। इसके बाद उन्होंने एंड द मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी जो दिया है उसको सिर्फ बोल्ड किया है एंड अंडरलाइन किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो बोल्ड किया है एंड अंडरलाइन किया है, तो हम भी इसको सिर्फ मोस्ट पॉपुलस को बोल्ड एंड अंडरलाइन करेंगे, बोल्ड एंड अंडरलाइन करेंगे। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि वर्ल्ड नीचे आ गए, अब आ गया बराबर, ओके। सो ये पूरा हो गया हमारा एडजस्टमेंट। अब हम इसको ऐसा एडजस्ट करेंगे, इंडिया और ये हमें दिख रहा है बराबर एक साथ, एक के नीचे एग्जैक्टली इंडिया मिडल में दिख रहा है, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया से लेकर लार्जेस्ट तक इंडिया बराबर ये सब टाइटल के बीच में आ रहा है, तो हम इसके ऐसे एडजस्ट करेंगे, इंडिया जैसा दिख रहा है हमें ये तो बराबर मिडल में आ गए। अब इसको ऐसा एडजस्ट करेंगे बराबर, इसको इधर उधर मूव ऑन करेंगे, जैसे दो रेड लाइन आएंगी एग्जैक्टली देखो ये मिडल में, ये बीच में मिडल में आपको लाइन दिख रही है इंडिया, इसका मतलब ये जो कंटेंट है ये पूरा इसके मिडल में आ चुका है। अब इसको अलाइनमेंट चेंज करना है, अलाइनमेंट कैसे चेंज करना है आप यदि इसको गौर से देखेंगे दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, गौर से आपको देखना है। इसमें द का टी, कंट्री का सी, पॉपुलस का पी एंड का ए, ये एक तीनों लाइन में, मतलब ये लेफ्ट लाइन इसके जो वर्ड है पूरे जहां से लाइन स्टार्ट हो रही है वो एक ही लाइन में, लेकिन राइट साइड में देखेंगे तो कुछ नहीं, लार्जेस्ट का टी का है, मोस्ट का टी का है, पीपल का ई का है, वर्ल्ड का टी का है, तो क्या करना है हमें, इसका मतलब ये लेफ्ट साइड पे यदि सब कुछ अलाइन होता है एक लाइन में आता है तो इसको लेफ्ट अलाइन कहते हैं, और यदि यही राइट साइड में होता तो इसको राइट अलाइन कहते हैं, तो इसी को ही हम उसी तरह एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अलाइनमेंट देखो, मैंने आपको बोला था कि ये तीन वर्ड्स, ये तीनों चीजों की इंपॉर्टेंस के बाद यहाँ पे अलाइनमेंट इंपॉर्टेंट होती है, तो यहाँ पे हम लेफ्ट लाइन पे क्लिक करेंगे तो आ गया टी सी पी ए एक साथ में। इसको राइट में करते हैं तो इधर का लार्जेस्ट का टी, मोस्ट का टी, पीपल का बाद कॉमा और वर्ल्ड के बाद जो फुल स्टॉप है वो एक लाइन में आता, लेकिन हमें क्या किया गया है राइट अलाइन बोला तो हम राइट अलाइन करेंगे। अब ये इसी तरह हमारा ये फर्स्ट स्लाइड प्रिपेयर हो गया है दोस्तों, इसी की तरह हम सेकंड स्लाइड विद इन कुछ मिनट्स में हम यहाँ पे प्रिपेयर करके दिखाएंगे। इंडिया, इंडिया का आई यहाँ पे कैपिटल है, सेम हम उसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम न्यू स्लाइड में जाएंगे, टाइटल स्लाइड क्लिक करेंगे, उसके बाद इसको यहाँ पे जल्द से फट से यहाँ पे इंडिया दिया है तो इंडिया भी कॉपी कर लेंगे, इसमें वो पेस्ट कर देंगे जल्दी से, इसमें जो कुछ भी कंटेंट दिया था वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे सब टाइटल पे, इसको जल्दी से हम ऊपर एडजस्ट कर लेंगे जैसा एडजस्टमेंट हमें इंपॉर्टेंट है वैसा। अब बाकी के नॉर्मल एडजस्टमेंट बाद में करेंगे, इसको हम इसका फॉन्ट कितना बोला है 54 बोला है तो हम 54 टाइप करेंगे, उसको एंटर करने के बाद ऑटोमेटिकली 54 पे आ जाएगा। यहाँ पे वर्डना बोला है, वर्डना तो वर्डना फॉन्ट में आ जाएगा बराबर, आ गया, और उसको अंडरलाइन किया था तो अंडरलाइन भी हो गया। अब सब टाइटल पे आएंगे, सब टाइटल पे क्या बोला था 24 बोला था तो यहाँ पे 24 ऑलरेडी आ चुका है, हमने 24 में सेट किया था। यहाँ पे टाइप करेंगे क्या चाहिए हमें, वर्डना चाहिए, वर्डना ही आएगा, आ गया बराबर। इसको हमने अलाइनमेंट दिया था राइट अलाइन तो राइट लेफ्ट अलाइन तो लेफ्ट अलाइन में आ गया बराबर, देखो आप यहाँ पे लेफ्ट अलाइन दिख रहा है आपको, दिख रहा है मुझे भी दिख रहा है। अब इसके बाद हम इसको अकॉर्डिंगली आप धीरे धीरे सेट करते जाएंगे। होम टू द एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या किया इन्होंने, इटैलिक बोल्ड प्लस अंडरलाइन किया, तो हम यहाँ पे भी इंडस वैली सिविलाइजेशन को बोल्ड प्लस इटैलिक प्लस अंडरलाइन करेंगे धीरे धीरे। उसके बाद क्या बोला उन्होंने, उसके बाद दिया है द रीजन ऑफ हिस्टोरिक ट्रेड रूट्स एंड वास्ट एम्पायर, मैंने भी
एंड के बाद एंड किया है और ए रीजन से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे भी हिस्टोरिक ट्रेड रूट से, हिस्टोरिक से हमें एम्पायर तक बोल्ड भी करना है और इटली भी करना है, हिस्टोरिक से हमें एम्पायर तक बोल्ड भी करना है और इटैलिक भी करना है, बोल्ड एंड इटैलिक। उसके बाद कॉमा को किया है क्या उन्होंने? यस, कॉमा को भी किया है, कॉमा को भी हमें बोल्ड दिख रहा है तो हम कॉमा को भी यहाँ पे बोल्ड करेंगे। इतनी माइनर चीजें भी आपके मार्क्स कट कर सकती है दोस्तों, माइनर चीजें। हो गया, यहाँ पे भी कॉमा भी हो गया है। तो उसके बाद इंस्ट्रक्शंस क्या है? द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज आइडेंटिफाइड विद इट्स कमर्शियल एंड कल्चरल वेल्थ। तो ये तो ऑलरेडी नॉर्मल स्टेट में, लेकिन कमर्शियल एंड कल्चरल वेल्थ को उन्होंने बोल्ड भी किया नहीं है, इटैलिक भी किया नहीं, लेकिन उसको अंडरलाइन किया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कमर्शियल एंड कल्चरल वेल्थ को, सॉरी ज्यादा ही जूम आउट हो गए, कमर्शियल एंड कल्चरल वेल्थ को यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, सिर्फ अंडरलाइन बोला है, सॉरी अंडरलाइन बोला है तो अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद फुल स्टॉप भी दिया है शायद, तो फुल स्टॉप भी देंगे। तो ये हमारा हो गया इसी के अकॉर्डिंगली, बराबर इसके अकॉर्डिंगली हमने किया। लेकिन हमें इंडिया और होम, ये ई डब्ल्यू, ये सब एक लेफ्ट अलाइन दिख रहा है, तो हमने ऑलरेडी लेफ्ट अलाइन करके रखा है, बराबर। हो इंडिया और ये जो पूरा इंडस वैली का जो पैराग्राफ हमने टाइप किया है उस एक साथ दिख रहा है पूरे सेंटर में, तो हमें ये सेंटर में लाना पड़ेगा। तो इसी के अकॉर्डिंगली हम इसको सेंटर में लाएंगे। कैसे? अब इसको थोड़ा कम करेंगे क्योंकि ये एग्जैक्टली आना चाहिए सेंटर में, बराबर आ गया। इसको थोड़ा नीचे करेंगे, अब इसको थोड़ा इधर उधर मूव ऑन करेंगे तो दिखाएगा, बराबर देखो आ गया रेड लाइन, रेड लाइन आ गया। तो आपको यहाँ पे रेड लाइन आने के बाद एग्जैक्टली ये सेंटर में प्लेस होगा। तो इसी तरह आपको, सब कॉन्टिनेंट का स्पेलिंग गलत हो गया था इसलिए स्पेलिंग एरर दिखा रहा था, इसी तरह आपको ये स्लाइड्स बनाना है, बहुत इजी दोस्तों। आपको सिर्फ यहाँ पे फॉन्ट जो दिया होता है, फॉन्ट चेंज करना आता है। यहाँ पे हम फॉन्ट, यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो भी नीचे फॉन्ट आएगा, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डर में रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। तो ये आपको सिर्फ यहाँ पे कौन सा फॉन्ट दिया वो भी टाइप कर लेंगे तो भी चलेगा, साइज कौन सा दिया है भी चलेगा। यहाँ पे क्या दिया है, बोल्ड करना है, बोल्ड करना है तो बोल्ड पे क्लिक करना है, इटैलिक किया तो इटैलिक, अंडरलाइन किया तो अंडरलाइन, नहीं तो ये जो अलाइनमेंट दिया है लेफ्ट अलाइन, ये सेंटर अलाइन और ये राइट अलाइन। तो इसी तरह हमें स्लाइड्स बनानी है। तो दोस्तों ये हमारा आज का पहला सेशन था जिसमें हमने ये सब कुछ टाइप किया, जो कुछ भी आपको दिखाया गया। इसका जो क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर की बात आप कर रहे थे, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा कुछ ही टाइम में, तो आप वो भी देख लीजिएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस, और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, क्या लगा, मतलब इसमें कुछ एरर्स होंगे तो मैं डेफिनेटली वो इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा आने वाले वीडियोस में। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे, हैव अ लवली डे एंड हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। गुड बाय।